भविष्य में पानी का गंभीर संकट है। ये लड़की पानी की जगह रेत से बर्तन धोती है और फिर उस रेत को हवा में उड़ा देती है। अगर आपको पानी पीना है तो आपको ये किसी वाटर स्टेशन से खरीदना पड़ेगा, वैसे ही जैसे पहले आप पेट्रोल खरीदा करते थे। और जो लोग पानी नहीं खरीद सकते वो सालों पुरानी शराब पीकर अपना काम चला रहे हैं। अर्नेस्ट के पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए वो और उसका परिवार एक अजीब सी चिपचिपी चीज खाकर खुद को हाइड्रेटेड रखता है। अर्नेस्ट एक बड़े खेत का मालिक है, लेकिन बिना पानी के उसका ये खेत बेकार है। हर दिन अर्नेस्ट और उसका बेटा जेरोम मिलो चलकर पानी के दलालों को शराब और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने जाते हैं और इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। एक दिन अर्नेस्ट एक वाटर सप्लायर से अपने खेत तक पाइपलाइन बिछाने की बात करता है, लेकिन वो अर्नेस्ट से इतनी बड़ी रकम मांगता है जो उसकी औकात से बाहर है। अब वापस घर लौटते हुए उनका गधा ठोकर खाके गिर जाता है। उसका पैर बुरी तरह से टूट चुका है क्योंकि अब ये गधा अर्नेस्ट के लिए सिर्फ एक बोझ था, तो अर्नेस्ट गधे को अपनी बंदूक से उड़ा देता है। अब अगले दिन अर्नेस्ट और जेरोम बाजार जाते हैं। वो यहां से एक रोबोटिक डोंकी खरीदते हैं जिसके लिए उन्हें एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। रोबोटिक डोंकी खरीदने के बाद वो एक वाटर स्टेशन पर पानी लेने जाते हैं। अर्नेस्ट इतना प्यासा है कि वो सीधे नोजल को मुंह से लगाकर पूरा एक घूंट पानी पी जाता है, जिसके लिए उसे पूरे $50 चुकाने पड़ते हैं।